आपको लगता है डरपोक होते जा रहे हैं, इसलिए हमें चिंता हो रही है, आप लड़ते जाओ। सर दिन पे दिन लद्दाख की हालत बुरा होते जा रहे हैं, 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अतिक्रमण हो चुके हैं। अनावश्यक अपने देश को इस पार्लियामेंट के फोरम पर बदनाम नहीं किया जाना चाहिए अधीर रंजन जी को। भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब यह ताकतवर भारत बन गया है। भारत की तरफ यदि कोई भी आंख उठाकर देखने की जरूरत करेगा तो भारत उसका मुखतोड़ जवाब देने की हैसियत रखता है और ताकत रखता है, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं हमारे रक्षा मंत्री जी को, बताइए लद्दाख की हाल क्या है? आपने कहा था कि स्टेटस को एंटी को रिस्टोर करेंगे, यथास्थिति को बहाल करेंगे, कहां बहाल हुई है? सर दिन पे दिन लद्दाख की हालत बुरा होते जा रहे हैं, 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अतिक्रमण हो चुके हैं, ये 20 राउंड मिलिट्री टॉक्स हुए हैं, 28 राउंड डिप्लोमेटिक टॉक्स हुए हैं, आज वहां चरवाहों ने जाने नहीं पाते हैं अपना जमीन पे, वो चराई करने नहीं जा पाते हैं। लद्दाख के लोगों को पूछिए क्यों ऐसा हो रहे हैं, क्यों आप चुप बैठे हैं? अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक हाल दिन पे दिन बुरा होते जा रहे हैं। जब गलवान घाटी में इस तरह की घटना घटी जहां हमारा 20 जवानों को शहादत देने पड़ी, आपने कह दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, कोई नहीं घुसा, कोई घुसा हुआ नहीं है। इसमें सबसे बड़ा अगर हिम्मत किसी को मिली है तो चाइना को मिले। आप देखिए आपके जमाने के पूरे 2014 से लेकर आज तक एक के बाद एक चाइना पॉलिसी में आप फेलियोर और फेलियोर अब दर्शाते हैं। 2014 में देखो, 2017 में देखो, 2019 में देखो, 2022 में देखो, कभी दोकलाम, कभी लद्दाख, कभी अरुणाचल, एक के बाद एक देखते जाइए हमारे फॉरेन पॉलिसी में और सिक्योरिटी हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। आपको ये नहीं सोच आ रहे हैं आज मालदीप में क्या हो रहे हैं? आप मालदीप में क्या हो रहे हैं? इंडिया आउट नारा लगाते हुए एक चुनाव होते हैं और आपका अजीत डोभाल कहां थे उस समय 1966 में? अध्यक्ष महोदय, श्री अधीर रंजन जी चौधरी ने चूंकि मेरा नाम लिया है इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ। जो कुछ भी इन्होंने कहा है चीन के संबंध में और साथ ही साथ भारत और चीन बॉर्डर एलएसी के संबंध में जो कुछ भी कहा है उससे मैं पूरी तरह से असहमति व्यक्त करता हूँ, उसको मैं डिसकंडम करता हूँ। और कभी इस पर यदि आप चर्चा की अनुमति देंगे तो मैं अपनी बात उस पर मैं रखूंगा। सर मैंने आपसे इजाजत लिया था, सर मैंने आपसे इजाजत लिया था कि मैं इसे पॉलिसी में बात करूंगा सर, और कुछ नहीं। राजनाथ सिंह जी, पिछले कई सालों से बार बार हम लोग गुहार लगाते आते हैं कि चाइना के बारे में चर्चा हो। चाइना आज सींग और पाल के चलते हमें घेरेबंदी कर रहे हैं, आपको ये नहीं देख पाते हैं आप? अरे मालदीव हमारे हाथ से निकल जा रहे हैं, मिनी कॉय से 70 नॉटिकल किलोमीटर दूर में है मालदीव। आपको 8 डिग्री चैनल की पता है? 8 डिग्री चैनल मिनी कॉय से मालदीव के अंदर चलते हैं, लक्षद्वीप से मिनी कॉय के अंदर 9 डिग्री चैनल और मिनी कॉय से मालदीव 8 डिग्री चैनल, भूगोल आप देख लीजिए। हमारे लाइन, हमारे सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं स्लॉक, एक तरफ हरमुज एक तरफ मलक्का, अध्यक्ष महोदय मैं गल्फ ऑफ अदेन, प्लीज। अध्यक्ष महोदय मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब यह ताकतवर भारत बन गया। भारत की तरफ यदि कोई भी आंख उठाकर देखने की जरूरत करेगा तो भारत उसका मुखतोड़ जवाब देने की हैसियत रखता है और ताकत रखता है, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और अनावश्यक अपने देश को इस पार्लियामेंट के फोरम पर बदनाम नहीं किया जाना चाहिए अधीर रंजन जी को। कभी चर्चा करनी होगी तो हम आपसे चर्चा करेंगे। मैं कोई मानगढ़ंत बात नहीं करते राजनाथ सिंह जी, भरोसा रखो। मैं भी एक शेक होल्डर हूँ इस सरकार की, देश की। मैं जो कहे जाते हैं ये औपचारिक तरीके से जो कहे जाते हैं पेपर में कहिए टीवी में कहिए उसी को मैं स्वीकार करते हैं। अधीर रंजन जी रक्षा मंत्री जी ने आपको स्पष्ट कर दिया हर विषय पर कि हम कोई भी चीज पर समझौता न करते हैं न करेंगे।
और मैं यह भी अध्यक्ष महोदय यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यदि यहाँ पर भले ही इनकी पार्टी की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, यदि देश के मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रश्न रहता तो हमारी पार्टी पुरजोर तरीके से साथ खड़ी रही है और आगे भी वह खड़ी रहती। इस तरीके से इस पार्लियामेंट के फोरम पर अपने देश को बदनाम करना, इसका कोई औचित्य नहीं है अध्यक्ष महोदय। इनकी इस अप्रोच को मैं कंडम करता हूँ। सर बोलने तो दीजिए सर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं बड़ी दावे के साथ कहते हूँ, मेरा नेत्री यहाँ मौजूद है, देश की रक्षा के लिए सर एक कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ा है। आप निश्चित रहिए, आप सब लड़ते जाइए, आप लड़ते नहीं, इसीलिए हम आपको जिक्र करते, लड़ते नहीं हो। आपको लगता है डरपोक होते जा रहे हैं, इसलिए हमें चिंता हो रहे हैं, आप लड़ते जाओ, मैं नहीं सारे देश आपके साथ खड़ा।